एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम ले लें एक कप सोयाबीन और उनको हम एक बर्तन में 3-4 कप पानी रख दिए थे, उनको इसको डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे उबाल लेंगे। आप चाहें तो गर्म पानी हल्का सा करके और उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें तो अच्छी तरह से फूल जाती है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। हम इन्हें उबाल लेंगे, नहीं पानी गर्म हो चुकी है और उसके बाद काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे, गैस बंद कर दी थी। देखिए 10 मिनट हो गए थे इन्हें रखे हुए, तो कितनी सॉफ्ट हो गई है, ठंडी भी काफ़ी हो गई है। तो अब इनको हाथों से निचोड़ के सारे पानी अलग कर लेंगे और एक मिक्सर ग्राइंड में हम डाल दिए हैं सारे सोयाबीन को। उसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, 3-4-5 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, नमक वगैरह नहीं डालेंगे और उसके बाद इनका एक ग्राइंड कर लेंगे। देखिए बिल्कुल बारीक कर लिए हैं। उसके बाद इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे, 1/2 चम्मच मिर्च डालेंगे, मिर्च पाले भी डाले थे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी गर्म मसाला, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं। और इन्हें अच्छी तरह से हाथों से मिलाएंगे, एक ज़्यादा गीला हो गया था तो यहाँ पर 1 चम्मच और बेसन डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब 2 चम्मच हमने बेसन डाली थी, अब नहीं डालेंगे। हाथ में थोड़ी सी पानी लगा लेंगे और इसका एक बड़ा सा पेड़े ले लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं, थोड़ा मोटा रखेंगे। देखिए इतनी मोटी रखी है। आप कोई पेंसिल, पेन या कुछ और ले सकते हैं, हमारे पास ये चाकू था तो ये देखिए गोल बिल्कुल था, थोड़ा सा मोटा था। तो इसके अंदर हमने डाल के और इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से रोल कर देंगे। ज़्यादा गोल नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी फ्लैट ही रखेंगे और हाथों से इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से दबा लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका बैलेंस बन जाए। तो देखिए अब धीरे से चाकू निकालेंगे और उसके बाद होल बिल्कुल अंदर तक है ताकि अंदर तक जाके अच्छी तरह से पके। यहाँ पर हमने गर्म पानी करने के लिए रख दी थी और उसमें ये डाल देंगे। अगर आपके पास चाकू वैसे नहीं है तो हमारे पास ये था, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। हम आपको दोनों तरह से बना के बता रहे हैं। तो हमारे दही जो माते हैं उसका था तो उसमें भी हम एक बना लिए हैं और इसमें हमारे 1 कप से 3 बन के रेडी हुए थे तो तीनों हम रख लिए हैं। इसको 10 मिनट्स तक गैस पर मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छी तरह से पानी में पका लेंगे। वो एक तरफ पक रही है, दूसरी तरफ हमें एक पैन में 1 चम्मच तेल डाली है, 1/2 चम्मच जीरा, 8-10 लहसुन की कलियाँ डाल ली हैं, 1 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबे लंबे कट कर लिए हैं और इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें 2-3 लाल मिर्च डाल दिए, 1/2 चम्मच धनिया साबुत, 2 चम्मच के आसपास मूँगफली के दाने डाल दिए हैं और इनको कुछ सेकेंड के लिए सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं कलर चेंज करना है इनका। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सॉफ्ट हो गई। उसके बाद 1 मीडियम साइज़ का टमाटर को कट करके इसी में डाल दिए हैं, इनको भी ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने इन्हें अच्छी तरह से भून लिए। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देते हैं। तब तक इनको देख लेते हैं, अच्छी तरह से ये पक चुकी है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में पानी से ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो जब ये ठंडी हो जाएगी फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए 1/2 घंटे हो गए थे, बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इसका हम 1/2 इंच के मोटे पीस कट कर लेंगे। आप मोटा पतला कट कर सकते हैं लेकिन हमने इतना मोटा ही रखा है और ऐसे ही सारे कट करके रेडी कर लेंगे। देखिए होल जैसे शेप दिए थे ना वैसे ही बिल्कुल बीच में होल है और सारे ऐसे कट करके रेडी कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने तेल रखी हुई है, अब तेल गर्म है, इसमें हम जितने आएगी एक साथ में 5-6 पीस डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कलर कितना चेंज हो गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे चटनी से खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा क्रंची बनती है। तो बहुत से बच्चे सोयाबीन नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बना के उन्हें खिला सकते हैं और बच्चों को पता भी नहीं लगेगी कि आप ये सोयाबीन की बनाए हैं, चाहे पकौड़े बनाएँ या चाहे सब्जी बनाएँ। तो आप देखिए हमने सारे ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेंगे, कलर कितना अच्छा है सारे। देखिए 1 कप सोयाबीन से हमने इतने सारे बना लिए हैं। अब इनको रखते हैं साइड में और फिर हमने उसी कढ़ाई में उसी तेल में हमने 2 इलायची, 2 लौंग डाल दिए हैं,
थोड़ी सी ये चटक जाएगी, आधा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच राई डालेंगे। इस सब्ज़ी में राई डालना बहुत ज़रूरी है, तो आप राई ज़रूर डालिए, चाहे काली हो चाहे पीली हो। और जो हम ग्राइंड भून के रखे थे उन्हें ग्राइंड कर लिए थे प्याज टमाटर, उनको डाल देंगे। एक चम्मच हमने राई कूट के अलग से डाली है, इसमें सरसों ज़रूर पड़ता है तभी ये सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। इनको डाल के एक मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए अब ये अच्छी तरह से भुनी नहीं है, इसमें ही हम मसाले भी डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि मिर्च हम पहले भी डाले थे। और इन सबको उसी प्याज टमाटर के पेस्ट के साथ ही अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले भून जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे मसालों को भूनने में। तो देखिए मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तेल अलग हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच मलाई डाल देंगे, घर की बनी हुई मलाई थी अच्छी तरह से फेंट लिए थे, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कसूरी मेथी का। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए। और इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे मलाई डालने के बाद। आप चाहें तो यहाँ पर मलाई की जगह दही भी डाल सकते हैं। तो देखिए सारे मसाले भून चुके हैं, जो हम बेसन और उसकी सब्जी पकाए थे ना बना के पकोड़े, उसकी पानी बची थी तो हम वही पानी इसमें डाले हैं, उसे फेंक के नहीं थे। उसके बाद हम इसमें नमक डाल लेंगे। देखिए अच्छी तरह से उबल गई है, देखिए कितनी क्रंची कितनी करारी बनी थी, बहुत टेस्टी बनती है। हमारे घर में जब भी सब्जी बनता हम 2-4 पीस ज़रूर रख लेते हैं खाने के लिए इनको बाद में। तो यहाँ पर हमने आधा रख लिया और आधा इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह से उबलने लगी। अब इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ताकि अच्छी तरह से ग्रेवी में जाके पकौड़े सॉफ्ट हो जाएं और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो देखिए 5 मिनट के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है, थोड़ी बहुत पकौड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, ग्रेवी थोड़ी बहुत गाढ़ी हो गई है। देखिए बिल्कुल ना टूटा है ना फटा है और बहुत अच्छी तरह से जैसे हम कट किए थे बनाए थे वैसे शेप है, बिल्कुल टूटा नहीं है। ऊपर से थोड़ी सी सूखी हुई धनिया डाल देंगे और इन्हें ढक देंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और देखिए आधे घंटे के बाद हम आपको दिखा रहे हैं सब्ज़ी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, इसका शेप वैसे ही है, बिल्कुल नहीं टूटा है। यहाँ पर हम सब कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खाइए, चावल के साथ ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, कोई बता भी नहीं सकता है। तो हमने यहाँ पे चावल के साथ सर्व किए हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार ज़रूर बनाइएगा।